rehearsal actually, because so Histrionica एक theatre festival है and इसकी सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है कि यहाँ पे बस teams आती हैं अपना event करती हैं अपनी stage plays और street plays दिखाती हैं and वो काफी like एक तरह से celebrate करते हैं theatre को so that's the best thing about Histrionica also there's a feeling attached to it और जो काफी अपने आप में काफी अलग है and everyone is together here they are celebrating theatre they are enjoying the other events as well so there's this relationship with Histrionica which is growing year by year and it's getting stronger day by day so yeah please do come to Histrionica jab yahan pe festivals ka pata lage because it's a great event to attend thanks basically Histrionica is an annual performing arts festival of Sri Ram College of Commerce It's one of the premium festivals of Delhi University. It was started 14 years back, and this is the 14th edition of Histrionica. And it's famous for its creativity. The creative work of Histrionica is damn good, and the footfall is also good. We get a good crowd for Histrionica. And जैसे आपको आवान, एक street play society से, जैसे आप society को आगे लेके जाना चाहते हो, आप किससे आगे लेके जाओगे? Street से. जैसे हम बाहर जाके परफॉर्म करते हैं लोग इंस्पायर होते हैं हमारे स्ट्रीट से जैसे आप ले लो एक टॉपिक ले लो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज लोग इसके बारे में कम बात करते हैं लेकिन अपन नाटक की तरफ नाटक की दिशा की ओर से हम काफ़ी अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं उसको एंड स्टेज प्लेस जो एक एक घंटे का प्लेस होता है उसमें भी हम अपनी एक्टिंग को काफ़ी अच्छी तरह से दिखा सकते हैं और हिस्ट्रोनिका में सबसे अच्छी चीज़ है कि हम एक्टर्स मैजिशियंस और जस्ट फॉर लव जैसे आज अतुल खत्री आ रहे हैं उनसे हम काफ़ी इंस्पायर्ड हैं और वो भी आ रहे हैं जैसे हमारे में नील माधव आया था सुमित व्यास आया था द परमानेंट रूममेट्स का ऐसे काफ़ी लोग आते रहते हैं यहाँ पे आह्वान होता है स्ट्रीट प्लेस होते हैं स्टेज प्लेस होते हैं और लाइव बायर इवेंट होता है एंड जस्ट फॉर लॉग्स होता है स्पेक्टर होता है आप मतलब जो जो चीज़ के बारे में सोच भी नहीं सकते वो होता है मतलब एक ही इवेंट में एक फुल पैक्ड ये सब कुछ है सब कुछ आप एक इवेंट में देखना चाहते हो तो वो है हिस्ट्रोनिका एक वर्ड में उसको बताऊँगा Today is the last day of Histrionica, and it's Atul Khatri at 11:30. And before that, we've got charades. There's a serious play, the play that goes wrong, and Sharam Jass, Imam Indrajit. It's gonna be amazing. देखो अतुल खत्री आ रहा है रात में कॉन्सर्ट भी है जिन जिन को आना है आ जाना सो क्या है हिस्ट्रियोनिका एक तीन चार दिन का ऐसा इवेंट है जो लगातार हमें यहाँ पर बुलाता है एक जो थिएटर का हो रहा है हमारे आसपास क्रिएट कर देता है चाहे वो स्ट्रीट हो चाहे वो स्टेज हो स्पेशली मैं तो स्ट्रीट से ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ तो जो मज़ा हिस्ट्रियोनिका जो है मज़ा SRCC में स्ट्रीट प्ले परफॉर्म कर कर आता है वो शायद कहीं नहीं आता हो तो जो एक माहौल बन जाता है यहाँ पर जितने भी लोग थिएटर से प्यार करते हैं जितने भी लोग स्ट्रीट से जुड़े हुए हैं स्टेज से जुड़े हुए हैं उन सब लोगों में जोश और वो जज्बा देखकर जो एक माहौल क्रिएट होता है वो सिर्फ हिस्ट्रियोनिका में हो सकता है और SRCC की टीम को ऑल द बेस्ट आगे आने वाले हिस्ट्रियोनिका के लिए और बस हिस्ट्रियोनिका हाय गाइस हेलो सो वी हैव हिस्ट्रियोनिका आवर एनुअल फेस्ट फ्रॉम रोमांटिक सोसाइटी एंड यू गाइस आर इनवाइटेड और मतलब वन ऑफ द बेस्ट होता है ये अब पता है ये ऐसा के बच्चे तो अपना अलग से आ गया और जिस जो भी थेस्पियंस है उन्हें तो हमेशा ज्वाइन करना चाहिए हिस्ट्रियोनिका को एंड सबसे रॉकिंग फेस्ट है कॉलेज का एंड मंसन विल टेल यू मोर कम ऑन मंसन हां नो 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 मंसन विल टेल यू मोर सो या दैट्स ऑल वी हैव टू से राइट नाउ बिकॉज़ वी गॉट अ लॉट ऑफ वर्क या वी आर वेरी बिजी बाय बाय